गरीब लड़की का ब्राइडल लहंगा। जानवी तैयार होकर अपने छोटे से कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ सुवर्णा से कहती है, माँ मैं पायल की शादी में जा रही हूँ, मुझे उसके घर पर देर रात हो जाएगी। बिटिया तो इतनी रात को अकेली मत आना वहाँ से, मैं तेरे पिताजी को भेज दूंगी तो उन्हीं के साथ आना। ठीक है माँ, पिताजी को रात के 12 बजे भेज देना पायल के घर। जानवी अपने घर से चली जाती है। शाम का समय जानवी का पिता शेखर अपने काम से घर आता है। शेखर बहुत गरीब है, वो जामनगर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी सुवर्णा और 30 साल की बेटी जानवी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। शेखर उसी गांव में मजदूरी करता है जिसकी आमदनी रोज की 200 रुपए ही थी। शेखर एक पैर से अपाहिज था। सुवर्णा, जानवी कहाँ है? वो अपनी सहेली पायल की शादी में गई है, आपको 12 बजे उसे लेने जाना है पायल के घर। तभी दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद, जी आपको पता है पायल जानवी से कितनी छोटी है, और देखो आज उसकी शादी हो रही है। पता नहीं हमारी जानवी की शादी कब होगी, इस गरीबी अवस्था की वजह से कोई भी रिश्ता हमारी दहलीज पर नहीं आ रहा है। हाँ सुवर्णा, मुझे भी हर समय यही चिंता सता रही है। भगवान जी हम गरीब की बेटी के भाग्य को भी चमका दीजिए, बस किसी तरह हमारी बेटी जानवी की भी कहीं शादी हो जाए। 30 साल की उम्र होने के बाद भी गरीबी की वजह से अब तक जानवी की कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। इसी बात से सुवर्णा शेखर हर समय परेशान रहते थे। इधर जानवी पायल के बड़े से घर में पायल के कमरे में थी। पायल बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। पायल के माता पिता ने पायल की शादी के लिए 2 लाख रुपए का ब्राइडल लहंगा खरीदा था। जानवी ये लहंगा देख, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है पायल, पूरी 2 लाख रुपए का है ये लहंगा। अच्छा पर मुझे ना ये देखना है कि ये लहंगा शरीर पर पहनने के बाद कैसा दिखता है, जरा एक बार तू इसे पहनकर दिखाना मुझे कि कैसा लग रहा है ये लहंगा। मैं? नहीं पायल, ये तेरी शादी का लहंगा है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? अरे बस कुछ समय के लिए पहनकर दिखा मुझे। पर पायल मैं कैसे? परवर कुछ मत कर, जा जल्दी। पायल जानवी को लहंगा लेकर अपने कमरे के बाथरूम में भेज देती है। माँ जो नेकलेस लाई थी वो कहाँ है? लहंगे पर तो वही नेकलेस पहनना है मुझे। शायद माँ ने अपने कमरे में रखा होगा, चलो मैं लेकर आती हूँ। पायल अपने कमरे से चली जाती है। तभी पायल की माँ दामिनी कुछ महिलाओं के साथ पायल के कमरे में आती है। उतने में जानवी पायल का कीमती शादी का लहंगा पहनकर बाथरूम से बाहर सबके सामने आती है। ये देख दामिनी और सब हक्के बक्के रह जाते हैं। दो कौड़ी की गरीब लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का शादी का लहंगा पहनने की? काकी जी वो मैं। दामिनी बहन ये तो अपशगुन हो गया, इस गरीब लड़की ने आपकी बेटी का शादी का लहंगा शादी से पहले ही पहन लिया। मनहूस कहीं की, तुरंत उतारिए लहंगा। जानवी झट से वो लहंगा उतार कर बाहर आती है। तभी दामिनी जानवी को धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल देती है। काकी जी मेरी बात तो। तभी दामिनी जानवी को एक चाटा मार देती है। उतने में वहाँ जानवी का पिता शेखर अपनी साइकिल पर आता है। जानवी बिटिया क्या हुआ दामिनी भाभी? ले जाओ अपनी इस गरीब बेटी को यहाँ से, मेरी बेटी ने अपनी शादी का लहंगा पहना भी नहीं और तुम्हारी इस गरीब दो कौड़ी की बेटी ने मेरी बेटी का इतना कीमती शादी का लहंगा पहन लिया और उसे खराब कर दिया। अरे इतनी क्या नीयत खराब है तुम लोगों की कि किसी के अरमानों की चीजों पर भी तुम अपनी नीयत खराब कर रहे हो। तभी दामिनी समेत कई सारी महिलाएं शेखर जानवी की गरीबी का खूब अपमान करते हैं। तभी शेखर जानवी को लेकर अपने घर आता है। इधर पायल को इन सब बातों की खबर ही नहीं हुई। तभी शेखर घर आकर सुवर्णा को सारी बात बताता है। माँ मैंने जानबूझकर नहीं पहना था पायल का लहंगा, पायल ने खुद कहा था मुझे वो लहंगा पहनने के लिए। बिटिया ऐसे किसी के अरमानों की चीज नहीं पहनते, तू अपने कमरे में जा और आराम कर। जानवी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जानवी को उसी गाँव के गरीब लड़के रोहन का रिश्ता आता है। रोहन अपने माता पिता कुलदीप मीनल के साथ जानवी को देखने उसके घर आया था। सुवर्णा बहन हमें जानवी बिटिया बहुत पसंद है, 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, हम 2 हफ्ते बाद ही बच्चों की शादी करवा देते हैं। तभी कुलदीप मीनल और रोहन वहां से चले जाते हैं। सुवर्णा शादी में बहुत कम समय बचा है,
हम अपना घर हरिया सेठ के पास गिरवी रखकर उन पैसों से जानवी की शादी करवा देते हैं। शेखर उसी गांव के सेठ हरिया के पास अपना छोटा सा घर गिरवी रख देता है और वो पैसे खाने वाले, मंडप वाले और भी कई सारे लोगों को एडवांस में दे देता है। दो दिन बाद, माँ आप मुझे शादी के लिए कौन सा ड्रेस दिला रहे हो? तुझे क्या पहनना है बिटिया? माँ जब मैंने पायल का लहंगा पहना था ना, तो उस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी मैं, मुझे वैसा ही लहंगा चाहिए। बिटिया वैसे लहंगे तो बहुत कीमती आते हैं, अब तुम तो अपनी आर्थिक परिस्थिति जानती हो ना कि हम कितने गरीब हैं, हम तुझे इतना कीमती लहंगा नहीं दिला सकते। ये सुनकर जानवी उदास हो जाती है। ठीक है माँ, फिर आप जो बोलोगे मैं वो कपड़े ले लूंगी। जानवी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। सुवर्णा लगता है जानवी नाराज हो गई। एक ही तो बेटी है हमारी, हमें जानवी की इस खुशी को पूरा करना होगा। हम कहां से लाएंगे जितना कीमती लहंगा? एक रास्ता है। तभी शेखर सुवर्णा को लेकर उसी गांव के एक अनाज के कारखाने में आता है। सुवर्णा, ये एक अनाज का कारखाना है, यहाँ भारी अनाज की बोरियां उठाने पर एक दिन की मजदूरी 1,000 रुपए दी जाती है। हम दोनों मिलकर कुछ दिन यहाँ अनाज की बोरियां उठाने का काम करते हैं। नहीं जी, मैं आपको इतना कठिन काम नहीं करने दूंगी। सुवर्णा, जानवी की शादी को 12 दिन बचे हैं। अगर हम 10 दिन भी यहाँ काम करेंगे तो हमें 20,000 रुपए मिल जाएंगे और उन पैसों में हम जानवी के लिए अच्छा सा लहंगा खरीद सकते हैं। अब बेटी के लिए इतना तो करना ही होगा ना हमें, वरना हमारे माता पिता होने का क्या मतलब। बेटी की खुशी की खातिर दोनों उसी दिन से उस कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करने लगते हैं। तभी काम करते करते शेखर नीचे गिर जाता है और अनाज की भारी बोरी उसके अपाहिज पैर पर गिर जाती है। अरे बाप रे जी, आप ठीक है ना? हाँ सुवर्णा, मैं ठीक हूँ। ये काम आपसे नहीं होगा जी, आप रहने दीजिए। सुवर्णा, केवल 10 दिनों की ही बात है, बेटी के लिए थोड़ी तकलीफ तो ले ही सकते हैं ना हम। शेखर उठता है और फिर से बोरियां उठाने लगता है। इसी वजह से वो सारे दिन में कई बार गिरता गया। रात का समय, शेखर सुवर्णा थके हारे घर आते हैं। माँ पिताजी आप दोनों कहाँ गए थे? बिटिया हमें ना एक बहुत ही अच्छा काम मिला है, काम बहुत आसान है, बस सारा दिन बैठने का है और हमें इस काम के रोज के 2,000 रुपए भी मिल रहे हैं। उनकी बेटी को उनके संघर्ष के बारे में पता ना चले, इसीलिए शेखर सुवर्णा जानवी से झूठ कह देते हैं। उसके बाद शेखर सुवर्णा रोज उस कारखाने में जाकर भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करने लगे। अब जानवी की शादी को केवल 3 दिन का समय बचा था। एक शाम शेखर सुवर्णा उस कारखाने में काम कर रहे थे, तभी कमजोरी की वजह से शेखर को चक्कर आ जाते हैं और उसके ऊपर कई सारी भारी अनाज की बोरियां गिर जाती हैं। इस हादसे के बाद शेखर की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। जैसे तैसे शेखर को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां शेखर के इलाज में बहुत पैसे लग जाते हैं। जितना पैसा शेखर सुवर्णा ने कमाए थे, वो सारा पैसा शेखर के इलाज में लग चुका था। सुवर्णा, तुमने क्यों मेरा इलाज करवाया? वो पैसे हमने बेटी की शादी के लहंगे के लिए रखे थे और तुमने वही पैसे मेरे इलाज में लगा दिए। जी आपका इलाज करवाना बहुत जरूरी था। अब कैसे लाएंगे हम बेटी की शादी के लिए लहंगा? शेखर सुवर्णा खूब रोने लगते हैं। तभी वहाँ जानवी की सहेली पायल आती है और वो शेखर सुवर्णा की सारी बात सुन लेती है। काका जी, काकी जी आप? शेखर सुवर्णा जिस कारखाने में काम करते हैं, वो कारखाना पायल के पति का था। तभी पायल को सारी बात पता चलती है कि कैसे सुवर्णा शेखर जानवी के लिए संघर्ष कर रहे थे। काकी जी, मेरी शादी के दिन जानवी को मैंने ही कहा था वो लहंगा पहनने के लिए, और माँ को गलतफहमी हो गई थी कि जानवी ने जानबूझकर वो लहंगा पहना था। जब मुझे ये बात पता चली थी तो मैं उसी समय जानवी से मिलने आ रही थी, पर तब मेरी शादी थी और जानवी ने जो लहंगा पहना था ना, वो लहंगा मैंने अपनी शादी में नहीं पहना था। वो लहंगा मैंने जानवी की शादी के लिए संभाल कर रखा है काकी जी। उस लहंगे में मेरा नाम नहीं बल्कि जानवी का नाम लिखा है, इसीलिए तो वो मेरे बजाय सबसे पहले जानवी के शरीर पर पहना गया था। आप चिंता मत कीजिए, जानवी का अब हर सपना पूरा होगा, वो अपनी शादी पर ब्राइडल लहंगा जरूर पहनेगी।
उसके बाद पायल शेखर सुवर्णा के साथ उनके घर आती है। जानवी पायल को देखकर दंग रह जाती है। तभी पायल जानवी से अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती है और उसे अपना वो लहंगा देकर साथ में 3 लाख रुपए भी देकर 2 दिन के बाद ही अपने पैसों से जानवी की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देती है। जिसके बाद गरीब जानवी अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहन लेती है और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से रोहन के साथ हो जाती है। काली और गोरी बहू की ठंड की शॉपिंग। अजी आ गए आप, क्या सब्जी लाए हैं? सुमित्रा जी ये देखिए, मैं सरसों का साग लाया हूँ। अभी तो 2 ही दिन हुए हल्की हल्की सर्दियां पड़ते और बाजार में साग भी आने लगा। बहू को बोलना आज खाने में सरसों का साग मक्के की रोटी बना देगी। तभी सुमित्रा अपनी बहू मोनिका को आवाज लगाती है। मोनिका बहू जरा यहाँ तो आना। जी मम्मी जी। बहू ये लो, आज रात के खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग बना देना, बड़े दिन हो गए खाए। इस पर मोनिका मुंह बनाकर बोलती है। उफ मम्मी जी, अभी मुझसे ये साग नहीं बनेगा, इसे तोड़ने में ही इतना टाइम लगता है और वैसे भी मुझे सर्दियों की शॉपिंग के लिए बिग बाजार जाना है। अविनाश आते ही होंगे, मैंने टिंडे बना दिए हैं, आप और पापा जी खा लेना। और हाँ मम्मी जी, मेरे लिए ना नई वाली रजाई भरवा देना। पिछले साल पता नहीं आपने कैसे 3rd क्लास रजाई बनवाई थी, उसमें बहुत रूने हो रहे हैं। ये कहकर मोनिका चली जाती है और बनवारी बड़े उदास मन से कहते हैं। देखा तुमने भाग्यवान, कितना कहा था मैंने तुम्हें कि छोटी बहू को अलग मत करो, मगर तुमने तो उस बेचारी को आते ही अलग कर दिया। एक ही घर में 2 जगह चूल्हा जलता है, काश घर में दीवार खड़ी न करवाई होती। अजी अलग नहीं करती तो क्या करती, देखा नहीं था पूनम बहू के आते ही घर में कितना कलेश होने लगा था। एक तो ससुराल वालों ने जरा भी दहेज नहीं दिया, एक ही जोड़े में अपनी गरीब काली बेटी को भेज दिया। दोनों बेटों की कमाई में भी तो इतना बड़ा फर्क है, और बहू भी तो अपने पति की कमाई खोजेगी ना। आप बात को खत्म करो, मोनिका बहुत थक गई होगी, कल बना देगी सरसों का साग और मक्के की रोटी। अब चलो मैं खाना लगाती हूँ, खा लो। एक तरफ जहां सुमित्रा और बनवारी बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब घर की पूनम दीवार के पीछे मिट्टी के चूल्हा फूंक कर खाना बना रही होती है। तभी अर्जुन आ जाता है। अरे पूनम, तुम गैस चूल्हे पर खाना क्यों नहीं बनाती हो? इस चूल्हे पर खाना बनाने से धुआं तुम्हारी आंखों में लगता है। अजी मैं अपने बाबा के घर भी तो चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, और फिर आपकी 10,000 की तनख्वाह में अगर मैं गैस सिलेंडर पर खाना बनाऊंगी तो घर की दाल रोटी चलानी भी मुश्किल हो जाएगी। कल से ओस गिरने लगी है ना, इसलिए आज जलाने के लिए लकड़ियां भीग गई थी, तो इसलिए धुआं हो रहा है। आज से मैं लकड़ियां अंदर ही रख दूंगी। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, गरम गरम रोटी बना रही हूँ, खा लीजिए, वरना ठंडी हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। सुमित्रा के 2 बेटे थे, जिससे 2 बहू आई। जहां मोनिका ऐश में जिंदगी जी रही होती है, वहीं बेचारी काली पूनम गरीबी में जिंदगी बिता रही होती है, जिससे कि उसकी सास ने सिर्फ उसके काले रंग के चलते ही अलग कर दिया था। सुबह सुबह मोनिका अपने कमरे में बैठी नेल पॉलिश लगाते हुए कहती है, अविनाश आज तुम्हें सैलरी मिल जाएगी ना? हाँ मेरी प्यारी बेगम साहिबा। तो फिर तुम मुझे शॉपिंग के लिए ले चलोगे ना? देखो ना मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। इतने में सास सुमित्रा कमरे में आती है। मगर मोनिका बहू, पिछले साल की सर्दियों में कितने सारे ढेरों स्वेटर खरीदे थे, फिर इस साल सर्दी की शॉपिंग, इतना खर्चा ठीक नहीं, 2 पैसे बचाना सीखो, कल को काम आएंगे। अपनी सास को कमरे में देखकर मोनिका चिढ़ जाती है। अच्छा तो आप कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? मम्मी जी आपको तो पता है मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं। अपने घर में मैं हर साल सर्दियों में शॉपिंग के लिए जाती थी, तो यहाँ भी जाऊंगी और आप मुझे नहीं रोकोगी। सुमित्रा को अपनी बहू का ये बर्ताव बुरा लगता है, मगर वह बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। सैलरी मिलने पर अविनाश मोनिका को शॉपिंग के लिए पैसे दे देता है। मोनिका कल ऑफिस में मुझे बहुत काम है, तो मुझे रात भर जाकर उसका असाइनमेंट बनाना है, तो तुम माँ के साथ शॉपिंग के लिए चली जाओ। मोनिका अपनी सास के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सुमित्रा कहती है, उफ मोनिका बहू कितने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा, रिक्शा ले लो।
आई बड़ी बुढ़िया रिक्शे पर जाएगी। हाँ, मैं क्यों पैसे लगाऊं? इन दोनों को खिला रही हूँ, ये क्या कम करती हूँ? मोनिका बिना कोई जवाब दिए सुमित्रा को भरी ठंड में पैदल चलाकर बाजार लाती है, जहाँ उसकी नजर एक बड़े से मॉल के अंदर टंगे सुंदर सुंदर स्वेटर पर जाती है। मम्मी जी चलिए वहां चलते हैं। OMG, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इस साल की सर्दी में तो बहुत ही फैशनेबल स्वेटर मॉल में आए हैं, इसके आगे मेरे पुराने स्वेटर तो ओल्ड फैशन हो गए। भैया ये दिखाना। ये लीजिए मैम। भैया इसमें ब्लैक या पर्पल कलर है क्या? नहीं मैडम, बस लास्ट ये एक पीस ही बचा है। ये स्वेटर सबसे ज्यादा बिका है। मैं तो वैसे भी गोरी हूँ, मुझ पर तो हर कलर सूट करेगा, इसे पैक कर दो। वाओ ये स्कार्फ कितना सुंदर है। मोनिका अपने लिए बहुत से महंगे स्वेटर स्कार्फ खरीदती है, तभी सुमित्रा एक दुकान पर शॉल देखकर कहती है, मोनिका बहू देखो ना कितना सुंदर शॉल है, वो मैं कह रही थी मेरे लिए खरीद दो। ओफो सासू माँ, आपके पास इतने सारे शॉल हैं तो सही, ठंड के लिए मुझे जूते चाहिए, वो देखते हैं। बुढ़िया अपनी उम्र नहीं देख रही है, शॉल चाहिए, अभी दिलाती हूँ तुझे। मोनिका अपनी सास की उदासी को अनदेखा करके अपनी ठंड की शॉपिंग में लगी होती है, तभी सुमित्रा पूनम को देखती है। पूनम बहू यहाँ क्या कर रही है? नहीं भैया, इसे थोड़ा और महंगा और अच्छा स्वेटर दिखाइए। ये लो बेटी, ये स्वेटर मखमल की ऊन का है, बहुत गर्म करेगा, 2000 का पड़ेगा। दे दीजिए भैया। वो भैया 10-20 के नोट हैं, ले लेंगे ना? लगता है स्वेटर खरीदने के लिए अपने पैसे जोड़े हैं। किसके लिए है ये स्वेटर? जी माँ के लिए। यह सुनकर सुमित्रा की गोरी बहू जी भर के उसके कान भरती है। देख लिया मम्मी जी, वैसे तो ये काली कलूटी बैंगन लूटी हमें कितनी गरीबी दिखाती है, और यहाँ बाजार में माँ के लिए ठंड की शॉपिंग हो रही है। अगली सुबह पूनम वह शॉल स्वेटर अपने सास ससुर को देती है। पूनम बहू आओ ना। बाबूजी वो मैं आपके माँ जी के लिए ये शॉल और स्वेटर लेकर आई हूँ, मुझे और अर्जुन जी को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पहने। पूनम बहू कल बाजार में ये ठंड की शॉपिंग मेरे लिए कर रही थी, और मैं मोनिका बहू की बातों में आकर गलत समझ बैठी। पूनम शॉल स्वेटर देकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुमित्रा की गोरी बहू हर कुछ दिन पर ठंड की शॉपिंग के लिए बाजार जाती और बदल बदल कर स्वेटर खरीदती। तभी सुमित्रा और मोनिका बाजार जा रही होती हैं, तभी सड़क पर ठंड में कपकपाता एक गरीब इंसान कहता है, मैम साहब कुछ खाने को दे दो, थोड़े पैसे दे दो, बड़ी ठंड है। हाँ कितना गंदा है रे तू, 2 कौड़ी का भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच होने की? बहुत देखे तुम जैसे गरीब जो सड़क पर बैठकर कांपने की एक्टिंग करते हैं। घमंड में आकर मोनिका उस गरीब भिखारी को धक्का दे देती है। तभी पूनम वहां आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मोनिका भाभी इन गरीबों को देखकर आपको जरा भी दया नहीं आती, जरा एक बार देखिए इन गरीबों की हालत को, इन लोगों के पास ना तो रहने को घर है ठंड में, ना कोई ठिकाना, ना खाने को खाना, ऐसे में थोड़ी सी मदद से किसी गरीब की जान बच सकती है। ये लीजिए काका ये कंबल आपके लिए। पूनम सड़क पर ठंड में रहने वाले गरीबों को कंबल बांटती है और खाना भी खरीद कर देती है, जिसे देख कर सुमित्रा कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि पूनम बहू तुम्हारे जितनी गोरी सुंदर क्यों नहीं। मोनिका बहू मगर आज मेरी आंखों ने एक चमकते हीरे को देखा है जो कि पूनम बहू है, जिसके दिल में गरीबों के लिए बड़ी दया है जो कि तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं। अपने घमंडी बर्ताव के कारण मोनिका अपनी सास से मान सम्मान खो बैठती है। सुमित्रा को अपनी काली बहू की कदर हो जाती है, जिसके बाद घर की दीवार तोड़कर सुमित्रा अपनी काली बहू का स्वागत करती है। आओ पूनम बहू ये घर तुम्हारा है और तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। उस पल पूनम की आंखों में खुशियों के आंसू थे और मोनिका की आंखों में थी तो बस शर्मिंदगी। अगर कोई इंसान शक्ल से सुंदर है पर उसके मन में जरा भी दया नहीं, तो उसका सुंदर होना व्यर्थ है।